जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, मित्रों, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह भ्रष्टाचार के संबंध में है। तो कल कल का जो वीडियो था वो बिहार के संबंध में था। अब बिहार का जो पड़ोसी राज्य है झारखंड, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वहाँ का एक और है ना, खानदानी पॉलिटिक्स, यानी कि ना ये जो है ना खानदानी, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं, ये कि वंशवाद, खानदानी पॉलिटिक्स, तो भ्रष्टाचारी जो होता है ना, भ्रष्टाचारी पॉलिटिक्स, उसी का नमूना झारखंड में मिला है। तो वहाँ का जो अभी सीएम है, जिसका नाम है क्या है, हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन तो यह ना झारखंड का अभी चीफ मिनिस्टर है, और इसके इसके बाबूजी पिताजी है ना, हेमंत सोरेन के बाबूजी पिताजी हैं, उसे क्या नाम था, शिबू सोरेन। तो आप जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है। तो यह ना सो जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइब केस होता है ना, घुसखोरी कांड हुआ था, तब आप भी है ना घुसखोरे था इसका, शिबू सोरेन, जो है ना कि है ना सो सोनिया गांधी के मनमोहन सिंह के सरकार में मंत्री भी था। तो ये इसका बाप भी है ना शिबू सोरेन घुसखोर था। अब है ना ये हेमंत सोरेन उसका बेटा है, जो है ना सो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। तो ये भी है ना सो खानदानी पॉलिटिक्स का ऐसा भ्रष्टाचारी है, तो इसी का मामला उजागर हुआ है। इससे पहले ना कल है ना के वीडियो में आपको है ना सो बिहार में जो है ना सो ये नौकरी के बदले जमीन, रेलवे में जो है ना हुआ था कि ना सो नौकरी के बदले जमीन का मामला हम लोग उठाए थे, जिसमें कि सारा सिस्टम ताक पर रख के उसमें एक ही मेरिट हो गया था रेलवे में नौकरी का, कि इसमें जो है ना सो जमीन दे देगा लालू और उनके फैमिली को, तो उसी को नौकरी मिलेगा। अब है ना सो उसका उन्हीं का सहयोगी है झारखंड में हेमंत सोरेन, जो कि शिबू सोरेन का बेटा, अभी चीफ मिनिस्टर है। तो भ्रष्टाचार इतना भ्रष्टाचारी है, इसी का मामला एक सामने आया है। तो मामला क्या है, देखिए मामला क्या है, देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला इसे बना है। अभी ये जो है ना ये हेमंत सोरेन है, झारखंड का चीफ मिनिस्टर है। तो इसमें अभी केस चला है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। तो अभी आप जानते हैं कि खनन पट्टा इस सब के मामला में, तो उस पर है ना सो ये जो है ना सो पूजा सिंघल, ये सब आईएसआई, ये सब है ना मनरेगा घोटाला, खनन घोटाला, पट्टा में ये सब है ना सो हेमंत सोरेन का, ये सब तो फंसा हुआ है ही, इसमें तो चल ही रहा है। लेकिन है ना अभी जो मामला है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। तो इसमें क्या मामला है, उसी पर हम चर्चा करते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देखिए चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशनर की सिफारिश के पीछे, चुनाव आयोग की सिफारिश के पीछे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताया जाता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताया जाता है। आरोप है कि हेमंत सोरेन, देखिए आरोप क्या है, हेमंत सोरेन जो कि झारखंड का मुख्यमंत्री है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पार्टी है, मुख्यमंत्री है वहां का, झारखंड का सीएम है। तो आरोप है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री व खनन मंत्री, तो देखिए हेमंत सोरेन जो कि झारखंड का मुख्यमंत्री है, और इसके पास है ना सो खनन जो है ना खनन खनन मंत्री, झारखंड का खनन मंत्री भी है, तो वहाँ पर माइनिंग मिनिस्टर भी है, मुख्यमंत्री तो है या माइनिंग का भी इसका मिनिस्ट्री इसी के अंडर में आता है। तो जानते हैं झारखंड में कितना माइन है, यूरेनियम से लेके है ना सो जितना भी लोहा से लेके है ना सो लगभग 80-85 टाइप का मिनरल्स झारखंड में मिलता है। तो वहाँ का जो खनन मंत्री है, माइनिंग मिनिस्टर भी वहाँ का चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है। तो मुख्यमंत्री और खनन मंत्री रहते हुए अपने ही नाम खादान लीज को मंजूरी दे दी। देखिए क्या हुआ, मुख्यमंत्री और खनन मंत्री है वहाँ का ये हेमंत सोरेन, तो मुख्यमंत्री खनन मंत्री रहते हुए अपने ही नाम खादान लीज को मंजूरी दे दी। यानी कि खदान से जो माइनिंग करके कोयला निकाला जाता है, या ना सो लोहा और भी है ना सो जस्ता यूरेनियम ये सब है, तो ये जो खदान से निकाला जाता है, तो ये मुख्यमंत्री खुद है झारखंड का और खनन मंत्री भी है, और अपने ही नाम पर है ना सो खदान माइनिंग का जो है ना सो पट्टा अपने ही नाम पर है ना सो लीज पर है ना करवा लिया, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। देखिए मुख्यमंत्री व खनन मंत्री रहते हुए अपने ही नाम खदान लीज को मंजूरी दे दी, यानी कि जो आदमी चीफ मिनिस्टर है और वहाँ का है ना सो खनन मंत्री है, वो अपने ही नाम है ना सो खदान का खनन पट्टा ये सब अपने ही नाम पर है ना सो लीज पर मंजूरी दे दी, उसका पूरा ठेका अपने नाम ही करवा लिया, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। चुनाव आयोग ने सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला पाया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला इलेक्शन कमीशन ने पाया है। तो उनकी विधानसभा, अब क्या होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है, क्या कि आप है ना चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, और है ना सो वहाँ के खनन मंत्री हैं, और खुद ही अपने नाम पर खनन का पट्टा का ठेका अपने नाम पर ही करवा लेते हैं, लीज पर ले लेते हैं। तो ये चुनाव आयोग में गया जब ये मामला, तो पता चला कि ये तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है कि जो आदमी खुद चीफ मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर है अपने नाम पर खदान को ना सो लीज पर ले लेता है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। तो अब क्या होगा जब इलेक्शन कमीशन में ये मामला गया कि है ना सो ये तो है ना सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है, चीफ मिनिस्टर खुद अपने नाम पर खदान को है ना लीज को आवंटित कर रहा है, तो अब इसका ये जब ये केस हो गया तो चुनाव आयोग में जब ये केस गया तो इसमें है ना ये मामला बनता है कि अब इनका है ना सो जब आदमी ऐसा करता है कोई है ना सो चीफ मिनिस्टर जब ऐसा कर रहा है या मिनिस्टर खुद अपने नाम पर पट्टा लीज आवंटित कर रहा है तो उसका है ना सो विधानसभा का सदस्यता ये रद्द हो जाएगा। अब है ना वो जो अभी वहाँ का है ना सो विधायक है तो इसके विधायकी चली जाएगी, इसका रद्द होगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। तो यही है तो उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होना तय है। अब जब ये सब काम किया खुद अपने नाम पर है ना सो खनन पट्टा अपने नाम पर ही लीज पर है ना ले लिया मुख्यमंत्री रहते तब है ना सो ये चुनाव आयोग में गया तब उनका विधानसभा की सदस्यता अब है ना सो रद्द होना तय है। परंपरा यही है कि सोरेन को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब है ना सो ये होगा जब ऐसा काम किया तो उनका विधानसभा का है ना सदस्यता एकदम अब जाना तय है, अब उनको इस्तीफा देना पक्का हो गया है। तो इसी के मामले में क्या है चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जनप्रतिनिधि क्या चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9A क्या है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत दोषी मानते हुए उन्हें विधायक के पद से अयोग्य किए जाने का मंतव्य गवर्नर रमेश बैस को सौंप दिया है। अब ये वहाँ के ना सो राज्यपाल है गवर्नर है रमेश बैस तो चुनाव आयोग ने सिफारिश कर दी है वहाँ के झारखंड के गवर्नर रमेश बैस को ये सिफारिश कर दी है कि ये आदमी जो झारखंड का मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन ये खुद है ना सो मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ का खनन मंत्री रहते हुए गलत काम गैरकानूनी काम किया है अपने ही नाम पर मुख्यमंत्री रहते हुए ये वहाँ का खदान को अपने नाम पर खनन पट्टा अपने ही नाम पर लीज पर ठेका पर पूरा न करवा लिया है तो है ना सो ये बहुत ही गैरकानूनी असंवैधानिक काम है। ये है ना किसके तहत आता है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत दोषी मानते हुए अब उनको है ना सो राज्यपाल चुनाव आयोग ने राज्यपाल को सिफारिश कर दी है कि अब इनका है ना सो विधायकी के पद से अब इनको है ना जाना पड़ेगा। तो वही है तो हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते अपने ही नाम पर देखिए हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ही नाम पर पत्थर खनन लीज लेने का मामला उठाया था। देखिए हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते अपने ही नाम पर पत्थर खनन कोयला है लोहा है टीन है जस्ता है यूरेनियम है अनेक प्रकार का मिनरल्स है ना सो लगभग 80-85 टाइप का है ना सो मिनरल है ना वहाँ पर है ना सो झारखंड में ये खजाना ही है और उसी का खनन पट्टा अपने ही नाम पर मुख्यमंत्री करवा लिया। तो ये है ना हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते अपने नाम पर पत्थर खनन लीज लेने का मामला उठाया था। इस पर भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से सोरेन की को इस पर भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से सोरेन को विधायक पद से आयोग ठहराने की मांग की थी। अब गलत काम किया है तो इसको है ना सो आयोग ठहराने की मांग भाजपा नेताओं ने की थी। इसके बाद उन्होंने आयोग में से मामले पर परामर्श मांगा था। अब देखिए भाजपा नेताओं ने शिकायत किया कि ये जो है ना सो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ही नाम पर खनन पट्टा ये सब ले रहा है तो ये सब शिकायत किससे की राज्यपाल से की। तो राज्यपाल ने ये मामला जब देखा तो इसको क्या किया पूरा मामला चुनाव आयोग को दे दिया कि है ना सो अब क्या करता है। तो चुनाव आयोग जैसा उसको राज्यपाल को सुझाव देगा वो चीज़ है ना राज्यपाल को अब करना एकदम बाध्य हो जाएगा राज्यपाल वही काम करेंगे। तो देखिए आयोग ठहराने की सोरेन को विधायक पद से आयोग ठहराने की मांग की थी। इसके बाद उन्होंने आयोग से मामले पर परामर्श मांगा था। राज्यपाल ने परामर्श मांगा इलेक्शन कमीशन से। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार गवर्नर के लिए चुनाव आयोग की राय मानना बाध्यकारी होगा। अब देखिए गवर्नर के पास ही कंप्लेन गया भाजपा नेता ये सब किया कि मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर ही ये ठेका उका खनन पट्टा ये सब ले रहा है। तब ये जब राज गवर्नर के पास ये मामला गया था गवर्नर ने इस पर है ना सो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन से पूरा है ना सो इस पर राय विमर्श मांगा कि है ना सो अब हम इसमें क्या करें ये खुद है ना चीफ मिनिस्टर है विधायक है और मंत्री भी है खनन मंत्री है अपने ही नाम पर पूरा खनन पट्टा ये सब है ना सो अपने नाम पर ही आवंटित करा रहा है इसका ठेका उका पूरा सब ले रहा है। तो उसमें चुनाव आयोग से है ना सो पूरा है ना सो परामर्श मांगा तो चुनाव आयोग ने अब है ना सो जो चुनाव आयोग है ना सो अब है ना सो क्या सिफारिश करेगा कि नहीं जब ऐसा मामला होता है तो उसको विधायक पद से आयोग ठहरा देता है चुनाव आयोग का। इसको है ना सो जो है ना सो अब इलेक्शन कमीशन जो है ना सो परामर्श राज्यपाल को देगा राज्यपाल को वो चीज़ मांगना एकदम जरूरी है।
यानी कि अब जो भी है ना सो इलेक्शन कमीशन के पास मामला चला गया, अब इलेक्शन कमीशन इस पर जो अपना है ना सो निर्णय देगा उसको राज्यपाल को एकदम मानना ही पड़ेगा। अगर इलेक्शन कमीशन बोलता है कि इसको है ना सो विधायक पद से हाथ धोना होगा, आयोग ठहराया जाएगा, तो इसको विधायक पद से जाना पड़ेगा। और यही नहीं, इलेक्शन कमीशन इस पर यही नहीं कार्रवाई कर सकता, इसको चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा सकता है लगभग 6 साल के लिए। कानून यही है, नियम कानून यही है कि अगर ऐसा काम किया है मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर खनन पट्टा लीज पर कर लिया है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, तो इसको चुनाव आयोग इसको है ना सो चुनाव लड़ने से भी आयोग ठहरा सकता है। यानी कि इसका विधायकी तो जाएगा, हेमंत सोरेन का विधायकी जो है ना चीफ मिनिस्टर का पद ये जाएगा, विधायकी भी जाएगा, और इसको आगे लगभग 6 साल तक इसको है ना सो चुनाव विधानसभा विधायक कोई भी चुनाव लड़ने पर इसको है ना सो रोक लग जाएगा। तो ये ऐसा पूरा मामला है। आज जो भी है ना सो ये है ना सो इलेक्शन कमीशन जो सुझाव सिफारिश गवर्नर को देगा, ये चीज़ गवर्नर को मानना एकदम बाध्यकारी है। तो यही बात है। तो ये बात है। अब हेमंत सोरेन है सो देखिए खानदानी पॉलिटिक्स का वारिस है, एकदम भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस के साथ इसका गठबंधन है, तो कांग्रेस भी एकदम भ्रष्टाचारी है। रोजे ना सो कांग्रेस पार्टी का जब गवर्नमेंट था सरकार था तो रोजे घोटाला होता था, कोई दिन ऐसा नहीं कि घोटाला नहीं हो रहा है। इसका जो बाप है हेमंत सोरेन का बाप शिबू सोरेन, ये तो खुद अनासो पैसा लेके अनासो नरसिम्हा राव की सरकार बचाया था, पैसा लेके है ना सो समर्थन दिया था नरसिम्हा राव की सरकार को, तो घुसखोरी है कांड में खुद लिप्त है। और ये तो इसका बेटा है तो ये भी होगा या कांग्रेस के साथ ही गठबंधन किया हुआ है। अब इस पर ही क्या करेगा, अब इसका अब है ना सो ये जो है ना सो अब हेमंत सोरेन अब क्या करेगा, अब इसका विधायकी भी जाएगा, मुख्यमंत्री पद भी जाएगा, और अगर चुनाव आयोग अगर इस बोल दे कि इसका है ना सो चुनाव लड़ने पर भी 6 साल के लिए रोक लगा देगा, तो अभी क्या करेगा, अब है ना इस स्थिति में ये क्या करेगा, तो इसके बारे में अब क्या करेगा यहाँ का जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन अब क्या करेगा। अब इसको है ना सो अगर है ना सो इलेक्शन कमीशन सिफारिश कर देता है राज्यपाल को कि इसको है ना सो विधायक पद से हटा दीजिए, इसका मुख्य विधायक पद से इसको हाथ धोना पड़ेगा, 6 साल के लिए इसको है ना सो चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाएगा, तब इसको तो इस्तीफा, इसके पास कोई चारा नहीं है, इसको तो इस्तीफा ही देना पड़ेगा। इस्तीफा देगा अगर इस मामले में अगर है ना सुप्रीम कोर्ट जाता है, इसको है ना सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो 99% चांस ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको है ना सो नकार देगा। अगर ना हेमंत सोरेन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाता है तो 99% यही चांस है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको अयोग्य घोषित कर देगा, क्या कि यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला ही तो गलत काम किया, खुद मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर है ना सो पूरा खदान आवंटित कर लिया, तो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर ये हेमंत सोरेन जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी इसका ना यही बोलेगा कि इसको है ना आयोग ठहरा दिया जाए, 6 साल इसको चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दिया है, तो एकदम सही है। अब इसमें और क्या करेगा, तब इसको है ना सो मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि कोई ये है ना सो GMM है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, तो इसका लगभग कितना 30 विधायक है, ना सो 82 है ना झारखंड विधानसभा में, लगभग 82 है ना सो विधानसभा का सीट है, उसमें 42 विधायक चाहिए बहुमत के लिए, और इसके पास 30 विधायक है, 17 विधायक कांग्रेस के पास है, तो अभी झारखंड विधानसभा में ये GMM सबसे बड़ा पार्टी है, इसके पास 30 विधायक है। अब इसको है ना मुख्यमंत्री पद से हाथ धोएगा तो क्या करेगा, तो वही काम करेगा जो लालू यादव ने किया था। जब लालू यादव को जेल हुआ था, जब मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था, तो क्या किया लालू ने, क्या किया कि ना सो राबड़ी देवी को बिहार का चीफ मिनिस्टर बना दिया, उस समय झारखंड में भी बिहार में था, तब वही काम होगा। अगर इसको है ना सो विधायक पद से हाथ धोना होगा, इस पर ना सो चुनाव लड़ने पर रोक लगेगा, तो ये क्या करेगा, तो अब इसकी पत्नी है, कन्या है, घरवाली है, तो ये घरवाली को अपना मुख्यमंत्री बना देगा, यही काम करेगा। लेकिन फिर उसको है ना सो चुनाव लड़ना होगा, विधानसभा का सीट जीतना होगा, तो ये मामला है। इसकी पत्नी का नाम है कल्पना सोरेन, ये हेमंत सोरेन है, तो उसकी पत्नी का नाम है कल्पना सोरेन। तो उम्मीद जताया जा रहा है कि अगर है ना सो ये इसका विधायकी चला जाता है, मुख्यमंत्री पद से इसको हाथ धोना पड़ेगा, तो ये तो है ना खानदानी पार्टी है, GMM बाप बेटा ये सबकी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, तो क्या करेगा, अपनी घरवाली को बैठा देगा, और इसकी घरवाली है उसका नाम है कल्पना सोरेन। तो उम्मीद किया जा रहा है कि अब जब यही सब होगा तो है ना कल्पना सोरेन को फिर से झारखंड का CM बन जाएगा, तो है ना तो राबड़ी देवी पार्ट 2, अभी झारखंड में क्या होगा, राबड़ी देवी पार्ट 2 होने वाला है ये झारखंड में, तो यही स्थिति है। तो वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।